हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। हम ये निकल चुके हैं गाड़ी में कहीं पे, मैं दिखाऊंगी आपको रास्ते में। यहाँ पे है ममता भाभी, हाय भाभी। और ये रहे मिस्टर पुरोहित, ड्राइव कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हम लोग जा रहे हैं कोई फ्रेंड के घर। किसके घर जा रहे हैं आगे चल के मैं सारा दिखाऊंगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। रास्ते में से किस किस को लेके जा रहे हैं वो भी दिखाऊंगी, तो चलिए चलते हैं। तो ये आके हम लोग पहुंच गए हैं रास्ते में, और ममता भाभी बैठ चुकी हैं, और ये बैठ रही है सीमा, क्योंकि ये दोनों रास्ते में थे। और ये चलिए आ गई है सिमरन, तो देखिए सिमरन आगे बैठी थी, पीछे चली गई। ये देखो बैठने के बाद अभी क्या कर रही है, वो बोल रही थी सीमा को पीछे जाने के लिए, वो नहीं गई तो वो उसको मार रही है मस्ती कर रहे थे। और ये आ गई है सिप्रा, तो चलो सबको यहाँ बोल रहे हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं कहीं पे, तो देखिए रास्ता कहाँ पे जा रहा है हमें लेके। और ये हम अभी पहुंचने वाले हैं, कुछ लोगों को पता चल गया होगा। जी हाँ, हम लोग आए हैं अंबिका के घर। अंबिका का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, हमारा भी आउटिंग हो जाएगा और अंबिका को भी अच्छा लगेगा। तो हम कुछ फ्रेंड्स मिल के आए थे उनके घर, तो ये बाहर हम लोग एक फ़ोटो उठा रहे थे, तो अंबिका भी आ गई थी। तो देखिए सबको हाय बोल रहे हैं, और आप सबको अंबिका के घर में वेलकम किया जा रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर बैठी थी आंटी जो है अंबिका की मम्मी, तो उनसे हम सब मिले। यहाँ पे एक चीज़ हुआ, जैसे हम सब बैठे हैं, मिस्टर पुरोहित भी आए बैठे, उनको पता ही नहीं था कि अंबिका की मम्मी हैं बोल के, वो सोच रहे थे हम में से कोई है। वो बाद में उनको देखे और नमस्ते किए, बोल रहे आंटी तो सबके साथ पूरा मिल जा रही है। और ये शोभन भी अभी आ चुके हैं, क्योंकि वो घर में नहीं थे, कुछ काम से बाहर गए थे, और वो लेके आए हैं कुछ चीज़ हमारे लिए। तो चलिए अभी ऊपर आके हम लोग बैठ चुके हैं, तो यहाँ पे चल रहा है खाने का प्रोग्राम। हाँ, हम कुछ स्नैक्स लेके आए थे, भैया भी यहाँ पे चाट मंगवाए थे और चाय भी बनाई अंबिका, मैं दिखाऊंगी आगे चल के आपको चाय वाय। तो यहाँ पे जो जो लाए थे सब निकाल रहे हैं प्लेट में, सब कोई अभी एंजॉय करेंगे खाना। तो खाने में क्या क्या था मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। समोसा, वेजिटेबल चप, आलू चप, बड़ा, एक रसगुल्ला, उसके ऊपर सोन पापड़ी, ऑरेंज फ्लेवर वाला, मस्त वाला। तो सब कोई खाना अभी एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा शूट कर रही थी। मिस्टर पुरोहित नहीं खा रहे थे, क्योंकि वो वेट किए थे भैया का, भैया जब आएंगे वो दोनों खाएंगे। पर मैं बाकी सबका शूट कर ले रही थी, क्योंकि बाकी सब खाना एंजॉय, इवनिंग भी हो चुका था, सबको भूख भी लगा था। और भैया भी आ चुके हैं, मिस्टर पुरोहित भी खा रहे हैं, बाबू भी खा रहे हैं, सब कोई अभी खाना एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम सब बैठ के थोड़ा सा गप्पे किए, और नीचे फिर हम लोग जाएंगे थोड़ी देर बाद चाय बनाने के लिए। चाय बनाने का प्रोसीजर जो है मैं आज दिखाऊंगी आप लोगों को, और उसका मैं एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई थी, मस्त बना था। चाय गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, चाय तो बनना ही बनना है। कुछ भी हो जाए, आप जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, जूस पी लो, लस्सी पी लो, चाय के बात ही अलग है ना। तो ये सारे फ्रेंड्स हम बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे तो नहीं पता, पर कुछ तो बातें कर रहे थे, है ना। तो बस चलिए अभी बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे नीचे, देखते हैं आगे। ये आ चुके हम लोग नीचे, तो दूध उबल रहा था पूरा मस्त। तो चलिए मैं बोली अंबिका को कि चलो अभी चाय बनाने का दिखाते हैं। अंबिका को लगा कि नहीं होगा चाय, तो वो थोड़ा और दूध डाली, और इधर बैठ रहा है मेरा वाला चाय, जो कि है ब्लैक टी, सुपर ब्लैक टी, ओनली ब्लैक टी,
वो मैं पीऊंगी। और इधर चाय पत्ती पीने का चीनी तो पहले ही डाल दिए थे, अभी डाल रहे चाय पत्ती। सुंदर सुंदर वाला चाय पत्ती देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा चाय उबल रहा है, चाय का कलर आ रहा है। आप लोग देखिए चाय कैसे बनाते हैं, किस किस को नहीं पता वो लोग सीख जाओगे, और जिन लोगों को पता है वो लोग एंजॉय करोगे। चाय जब मतलब खोलता है ना, उसका जो कलर आता है ना, वो चीज़ देखने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब जब चाय ऐसे ऐसे उबलता रहेगा धीरे धीरे करके, जो उसका कलर आता रहेगा, और ये चाय का कलर जो ब्राउन कलर ना, सुपर्ब लगता है मुझे, मतलब मस्त लगता है। जो भी बोलो, एक ना ब्राउन कलर में आता है ना येलो आता है, एक सुंदर सा कलर आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। चाय का कलर कितना मस्त लग रहा है। और अभी हो चुका है चाय रेडी, तो चलिए अभी उसको और थोड़ा सा उबाल लेते हैं, और उसका ओरिजिनल कलर तुरंत ही आ जाएगा अभी, क्योंकि चाय रेडी। तो चलिए चाय को सर्व किया जाए सुंदर सुंदर कप में। और ये कप इतने सुंदर दिख रहे थे, मैं क्या बताऊँ, पूरा मिट्टी वाले थे, ओरिजिनल मिट्टी वाले। और मिट्टी वाले चाय में चाय पीने का मज़ा तो अलग ही है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ममता अभी चाय ऊपर लेके जा रही है, और पीछे से अंबिका भी चाय लेके आ रही है, और मैं तो अपना चाय पकड़ी हूँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर, यहाँ पर चाय सब सबको किया जा रहा है, सबको अभी चाय एंजॉय करेंगे। चाय वाय पीने के बाद यहाँ से सबको अभी हम लोग जाएंगे घर। तो चलिए, मैं सबको बोल रही थी चलो चलो जल्दी चलो, वैसे भी 8 बज चुका था, तो मैं बोली चलो चलते हैं नीचे। तो चलिए नीचे चलते हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स, आज के कुछ पिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।